दोस्तों अगर आप भी अपनी लर्निंग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप बिना साइबर कैफे पे जाए अपने घर बैठे वो भी अपने एंड्रॉयड मोबाइल से अपनी लर्निंग को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आखिर तक देखते रहना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे एक रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लर्निंग डाउनलोड करने के लिए लेके चलता हूँ मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। वहाँ पर मैं आपको अपनी खुद की लर्निंग डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना है दोस्तों परिवहन। दोस्तों यहाँ पर आपको परिवहन सर्च कर देना है, यहाँ पर आपको परिवहन सर्च कर देना है। उसके बाद आपके सामने सबसे पहले वाली जो वेबसाइट आएगी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर इंडिया का फ्लैग दोस्तों दिखाई देगा। ये बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको ऊपर थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आ चुका है सिलेक्ट स्टेट नेम, यहाँ पर आपको अपना स्टेट दोस्तों यहाँ पर आपको अपना राज्य सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश। आप यहाँ पर अपना कोई सा भी राज्य सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपका स्टेट है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर पहले एक ऑप्शन आता था डाउनलोड लर्निंग लाइसेंस, जो कि अब 2021 में जो है दोस्तों हटा दिया गया है। अब आपको अपने लर्निंग डाउनलोड करने के लिए क्या करना है मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद आपको ऊपर यहाँ पर थ्री डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर इसे डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है और जैसे ही आप करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस। आपको इस लर्निंग लाइसेंस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर हल्का सा आप ऊपर करेंगे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रिंट लर्नर लाइसेंस फॉर्म 3। आपको इस प्रिंट लर्नर लाइसेंस वाले पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको आपके सामने आपको यहाँ पर प्रोसेस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपसे दोस्तों एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है और आपकी डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। और इसके बदले में आपको साइड में दिखाई दे रहा है लाइसेंस नंबर। अगर आपका लाइसेंस नंबर जनरेट हो चुका है तो आप अपना लाइसेंस नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एप्लीकेशन नंबर ही डाल के दिखाने वाला हूँ दोस्तों। आपका ये एप्लीकेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज पे आया होगा। तो यहाँ पर मैं अपना जो है एप्लीकेशन नंबर डालने वाला हूँ और यहाँ पर आपको लर्निंग डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको डाल रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने अपना एप्लीकेशन नंबर दोस्तों डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पे सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ दोस्तों डाल देनी है। यहाँ पर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको टाइप नहीं करना है, आपको यहाँ पर कैलेंडर में से अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले अपना जो है मंथ सिलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी मंथ है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा मंथ है जनवरी, मैं इस पर जनवरी पर क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पर सन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और आपका जिस भी जन्म सन का जन्म है आपको सन सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको डेट जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस सबमिट के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आ चुका है OTP सेंड, आपको ओके पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, जो OTP आपको यहाँ पर दोस्तों डालना है। यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर OTP दोस्तों आ चुका है, आप देख सकते हैं ऊपर पर। इस OTP को मैं दोस्तों यहाँ पर डालने वाला हूँ और आपको अपनी लर्निंग डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं इस OTP को फटाफट से गिन लेता हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पर OTP डाल दिया है। और उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। अगर आपका OTP नहीं आया तो आप दोबारा रिसेंड कर सकते हैं। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने दोस्तों आपकी लर्निंग जो है यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारी लर्निंग दोस्तों यहाँ पर लोडिंग हो रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरी खुद की लर्निंग है जो यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर ली है। यहाँ पर दोस्तों हमारी लर्निंग आ चुकी है। आपको इसे अपने फ़ोन में सेव करने के लिए यहाँ पर ये ड्राइव का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आपको इस ड्राइव के ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ये आपके दोस्तों फ़ोन में आपकी लर्निंग जो है यहाँ पर सेव हो जाएगी। अगर आप PC या लैपटॉप से कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इसका प्रिंट भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मोबाइल से करके आपको दिखा रहा हूँ।
तो यहाँ से मैं इसको दोस्तों अपनी गैलरी में सेव कर सकता हूँ, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे आप इस सेव पे क्लिक करेंगे आपकी लर्निंग दोस्तों डाउनलोड आपके फ़ोन में हो जाएगी, और डाउनलोड होने के बाद दोस्तों आप इसका प्रिंट किसी साइबर कैफे से निकलवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड करके दिखाया है। तो जाने से पहले इस वीडियो को पहला सर लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई भी दिया जाएगा।